नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो EPS 95 पेंशनर्स का दिल्ली में 4 से लेकर 7 दिसंबर तक जो अनशन और आंदोलन होने वाला है, और साथ में 7 दिसंबर के दिन जो सामूहिक आत्मदहन का यहाँ पर इशारा भी दिया गया है। तो इसी के चलते दोस्तों, और इसकी जो गंभीरता है वो देखते हुए माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार जी गंगवार जी ने माननीय श्री कमांडर अशोक राउत जी के साथ जो है 12 नवंबर 2018 के दिन जो है श्रम मंत्रालय में एक मीटिंग जो है वो संपन्न हुई थी। तो यहाँ पर इसी मीटिंग के बारे में जो है दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि ये जो मीटिंग हुई थी तो इसमें जो है वो क्या क्या डिस्कस हुआ था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिटेल न्यूज है अभी इसको जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई थी माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी और माननीय कमांडर श्री अशोक राउत जी के बीच में, तो यहाँ पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि द हॉनरेबल लेबर मिनिस्टर मिस्टर संतोष कुमार गंगवार हैड अ मीटिंग विद द कमांडर अशोक राउत ऑन 12 नवंबर 2018। तो यहाँ पर इसके बारे में जो है वो बताते हुए कहा गया है कि नैक के द्वारा अमरण अनशन व आत्माहुति की नोटिस के बाद विषय की गंभीरता को देखते हुए माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी की माननीय कमांडर श्री अशोक राउत जी के साथ 12 नवंबर 2018 के दिन दोपहर को 12 बजे श्रम मंत्रालय में दिल्ली में बैठक संपन्न हुई थी, और EPS 95 पेंशन धारकों की समस्याओं के संबंध में विस्तार से द्विपक्षीय चर्चा यहाँ पर की गई थी। चर्चा के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने 1 महीने का समय मांगा था और कहा था कि 1 महीने के अंदर हम जरूर समाधान निकालेंगे। इस पर माननीय कमांडर साहब ने कहा था, हम 1 साल से सब प्रकार के आंदोलन कर चुके हैं और आपकी ओर से कई बार आश्वासन के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे दिन की शुरुआत रोज EPS 95 सदस्य की श्रद्धांजलि से होती है। हमारे भाई रोज मर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। इसके बाद श्रम मंत्री महोदय ने वही अपने अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हमें आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर इस विषय में सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में CBD की मीटिंग जो है वो 4 दिसंबर 2018 को रखी गई है। माननीय मंत्री महोदय ने दिए हुए आश्वासन के 15 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी संदर्भ में माननीय कमांडर साहब ने जो है वो 28 नवंबर 2018 को जो है वो एक पत्र भी यहाँ पर लिखा है। तो ये लेटर जो है दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये लेटर जो है वो तो माननीय कमांडर साहब ने जो है वो लिखा था, तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये जो लेटर है दोस्तों, आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर भी जो है वो इसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये जो लेटर है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिटेल आर्टिकल है दोस्तों, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लुकिंग एट द सीरियसनेस ऑफ सब्जेक्ट आफ्टर अ नोटिस ऑफ फास्टनिंग एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बाय नैक द हॉनरेबल लेबर मिनिस्टर मिस्टर संतोष कुमार गंगवार हैड अ मीटिंग विद कमांडर अशोक राउत जी ऑन 12 नवंबर 2018 बाय 12 नून इन अ लेबर मिनिस्ट्री दिल्ली। बायलैटरल डिस्कशन वेयर हेल्ड इन द डिटेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ EPS 95 पेंशन होल्डर। द हॉनरेबल मिनिस्टर सॉट अ मंथ टाइम एंड सेड दैट विद इन अ मंथ वी विल फाइंड अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन। On this, the commander said, "We have done all kind of educations for 1 year, and no concrete action was taken from. After many assurances, we start our day with condolences, as many pensioners are dying every day, waiting for their rights. No, sir, we don't have a time." After this discussion, the minister assured us that we will take a positive action in this matter within a 15 days. The result is seen in the form of the CBT meeting on 4th December 2018. NAC Commander Sir written this letter on the subject mentioned above on 28th of November 2018. The copy of letter is available in video description. You can click on that link and you can download the copy of this letter and read according your convenience. तो इसी के बारे में जो है दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में जाना कि ये जो मीटिंग हुई थी माननीय श्रम मंत्री जी की और माननीय कमांडर साहब की, तो यहाँ पर जो है वो श्रम मंत्री जी ने है 15 दिन के अंदर जो है वो सकारात्मक कार्रवाई करने का यहाँ पर आश्वासन दिया था, और इसी के चलते 4 दिसंबर 2018 को CBD की मीटिंग रखी गई है। तो
यहाँ पर ये जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, तो उसी दिन से जो है वो अनशन की भी शुरुआत होने वाली है। तो चलिए अभी ये जो अनशन है और ये जो मीटिंग है, तो यहाँ पर इस मीटिंग में क्या नतीजा निकल कर आता है, तो इसी को जो है हमें 4 दिसंबर को देखना है। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो आपको देखने को टाइम पे मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।